सुन रहे हैं कहानी अनटोल्ड। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियां सबसे पहले आप सुन सके। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। डर की तस्वीरें सच्ची हैं या हम उन्हें अपने मन से बनाते हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि सच में कुछ ऐसा भी है या नहीं जिसे कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ, कहते हैं जब सकारात्मक शक्ति होती है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी वास होता है। आम तौर पर माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्ति हमेशा ठंडी, शांत और अंधेरी जगहों पर ही अपना निवास करती है, और इन सब की सबसे सही जगह है आपके घर का बाथरूम। आज की कहानी सत्येंद्र जी की है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी आ जाने के कारण ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कहीं कहीं नौकरी करने लगे। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शादी होने के बाद परिवार का खर्च बढ़ गया, जिसके चलते ये उत्तर प्रदेश में ही नोएडा में नौकरी करने लगे। कहानी यहीं से शुरू होती है। ज़्यादा पैसों के लालच में इन्होंने ऐसी ऐसी नौकरियां की जो आपकी और हमारे बस की बात नहीं। ड्राइविंग से लेकर पोलदारी का काम भी इन्होंने किया। काम करते करते कुछ साल बीत गए और इनकी अच्छी खासी जान पहचान यहाँ के लोगों से हो जाती है, और किसी से पता चलती है कि धनमन सोसाइटी में एक गार्ड की ज़रूरत है। हर महीने 15,000 की सैलरी और साथ में खाना पीना के लिए अलग से पैसे। ये बात सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और नौकरी करने निकल पड़े। कहानी और खेला इसी नौकरी से शुरू होती है। कहानी को अच्छे से समझने के लिए चलिए सत्येंद्र जी की कहानी को खुद उनके नज़रिए से ही समझाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं उत्तर प्रदेश के बेतिया हट्टा का रहने वाला हूँ। काम के सिलसिले में मैं नोएडा रहने के लिए आ गया था। ये घटना तकरीबन 5 साल पहले की है। उन दिनों मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। शादी होने के बाद घर चलाने में और परेशानी होने लगी थी। इसी कारण मैंने घर छोड़कर बाहर रहने का फैसला किया था। शुरुआती दिनों में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे सभी से जान पहचान होने लगी और मुझे अच्छे अच्छे काम मिलने लगे। इसी बीच में मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में एक अच्छी नौकरी है, नाइट शिफ्ट में काम करना है और अच्छी तनख्वाह के साथ साथ खाने पीने का अलग से पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मानो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने बिना देरी किए ही उस जगह नौकरी को ज्वाइन कर लिया। मेरे रूम से ग्रेटर नोएडा मेट्रो से जाने में करीब 20 मिनट लगता था, इसलिए मैं 6 बजे अपने रूम से निकल जाया करता था। सोसाइटी बहुत अच्छी थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, जिसके कारण काम करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे जैसे सबसे जान पहचान होती गई, बातचीत भी शुरू होती गई। बातचीत के दौरान वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि रात में वैसे भी यहाँ कोई बाहर नहीं आता, तो तुम आराम से अपनी ड्यूटी करना। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। एक दिन शाम को मैं अपने रूम से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। करीब 7:30 बजे तक मैं सोसाइटी के गेट तक पहुंचा। वहां जाते से ही मैंने देखा जो दिन के शिफ्ट वाला गार्ड था, वो बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहलकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे आते देख मुझ पर झल्लाते हुए बोला, इतना टाइम क्यों लगा दिया? टाइम पता नहीं है कि कितने बजे ड्यूटी ज्वाइन करना है? मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो हड़बड़ाते हुए अपना सामान उठाया और बिना देरी किए ही वहाँ से निकल गया। मुझे उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा।
कि भाई मैंने तो मात्र आधा घंटा लेट किया है, ऐसा कौन सा 10 बज गया है कि इसको इतना लेट हो रहा। खैर मैंने ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं लगाया, मन में सोचा कि हो सकता है इसको कुछ ज़रूरी काम हो। रात के करीब मैं 9 बजे खाना खाकर मैं अपनी कुर्सी पे बैठकर आराम से मोबाइल में गेम खेल रहा था। चारों तरफ अंधेरा पसर गया था, आसपास कुछ एक दो कुत्ते इधर उधर घूम घूम कर पता नहीं क्यों अजीब तरीके से गुर्रा और भौंक रहे थे। उस रात को बड़ी गर्मी पड़ रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे जिससे मौसम पूरा उमस से भरा हुआ था। तकरीबन रात के लगभग 12 बजे थे। मैं थोड़ा आसपास सोसाइटी की गलियों में टहल रहा था कि तभी मैंने देखा कि 13 फ्लोर पर लाइट जली हुई है और 2 लोग आपस में खड़े हुए कुछ बहस कर रहे हैं। मुझे आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन से उनका छाया बन रहा था जिससे उनके हाथ के इशारे से पूरी तरह पता चल रहा था कि वो किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। मैंने अपने मन में सोचा कि फैमिली का अपना मैटर होता है तो काहे का इन सब में अपना दिमाग खपाए, और फिर अपने गेट पर आकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से एक चक्कर लगाया, उस कमरे से अभी भी वैसा ही छाया बन रहा था। मुझे जहाँ तक याद आता है मैंने उनको ऐसे ही तकरीबन 3 बजे तक लड़ते देखा होगा। उसके बाद मैंने भी ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लग गया। अगले दिन मैं सुबह अपने रूम जाकर अपने एक दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा देखा था मैंने। अजीब बात थी यार, करीब 3 घंटे तक कौन ऐसे खड़े खड़े बहस कर सकता है। उसने भी मेरी बातों में हामी भरते हुए कहा, बड़े लोगों का कोई पता रहता है क्या, कब लड़ाई कब प्यार। तो छोड़ इन सभी बातों को, उनका ऐसा ही चलता है, अपना खाना खा और आराम कर, फिर रात को ड्यूटी जाना है तुझे। अपने दोस्त की बातों को हामी भरते हुए मैं भी सोने चला गया, क्योंकि पूरी रात जागरण करने के बाद मैं हर दिन सुबह 7 बजे सो जाया करता था और फिर 12 बजे के बाद आराम से उठकर अपना खाना बनाकर खा लेता, फिर कुछ ज़रूरत का सामान और सब्जियां ये सब लाने अपने दोस्त के साथ दोपहर को चला जाता। लेकिन उस दिन मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई, लेकिन नींद आने के बाद भी मुझे सपने में भी वही सब दिखा जो कल रात देखकर आया था, और मैं अचानक चौंक कर उठ गया। पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा था, घटना वो कुछ बड़ी नहीं थी, बस बहस होते ही देखा था, लेकिन मन के अंदर कुछ अनहोनी होने का भास बहुत ज्यादा हो रहा था। रूम के अंदर घुटन और बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं कमरे के बाहर आ गया। मुझे बाहर आता देख मेरे दोस्त ने कहा, भाई क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। मैंने अपनी मन की सारी बात अपने दोस्त को बता दिया। मेरी बात सुनकर वो बोला, देख भाई तेरी नई नई नौकरी लगी है और तुझे इस तरह रात को जागने की आदत नहीं है ना, इसलिए शायद तेरे मन में अच्छे ख्याल नहीं आ रहे हैं। ये सब जो कुछ भी तेरे मन में आ रहा है ना, वो थकावट के कारण ही आ रहा है, इसलिए अभी सो जा, दिमाग फ्रेश होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी, शायद थकावट के कारण ही ऐसा हो रहा होगा। यही सोचकर मैं फिर से सो गया, लेकिन फिर से रह रहकर वही मुझे बार बार दिख रहा था, मानो जैसे मुझसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। इसी उड़न बून में मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। मेरे बगल के कमरे वाला दोस्त जिसका नाम राजन था, उसके दरवाज़ा खटखटाने से मेरी नींद खुली और बाहर से ही आवाज़ लगाया, भाई उठ जा, आज मार्केट नहीं चलना है क्या। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 3 बज चुके थे। हड़बड़ाहट में मैं उठा और जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर उसके साथ बाजार निकल गया। मार्केटिंग करते करते और रूम तक वापस आते आते करीब 5 बज गए। मैं जल्दी जल्दी अपने लिए रात का खाना बनाया और मैं अपना खाना पीना लेकर घर से निकल गया। मेरे गेट पे जाते ही वो दूसरा वाला गार्ड तुरंत उठा और जल्दबाजी में अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगा। अभी मैं उससे कुछ बात करने ही वाला था, उससे पहले ही
वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जो पूछना होगा कल दिन में ही बताऊंगा। और वो मेरी तरफ एक बार अजीब ढंग से देखते हुए वहां से निकल गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुझसे सही ढंग से बात क्यों नहीं करता। करीब 7 बज चुकी थी, फिर वहीं 4-5 लोग रोज की तरह मेरे पास आकर बोले कि कोई आएगा जाएगा नहीं रात को, बस तुम आराम से रहना। हर एक दिन एक ही बात सुनकर मैं बोर हो चुका था। सब यहाँ पे अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, हर दिन की तरह मैं अपना खाना खाकर उन्हीं गलियों में टहलने लगा। रात के 12 बजे और फिर से मेरी नज़र उसी फ्लोर पे गई जहाँ कल की तरह फिर से एक कपल लड़ते हुए दिखाई दिया था, और उनका ये झगड़ा लगभग उसी टाइम 3 बजे तक चला होगा। अब मैं ये बात किससे पूछूं, क्योंकि मेरे अलावा कोई था भी तो नहीं, और इतनी दूर से अगर मैं आवाज़ लगाता तो वो सुन भी नहीं पाते और सोसाइटी वाले परेशान भी होते। इसलिए मैंने भी इग्नोर करके अपने काम में लग गया। और अगले दिन सुबह जब शिफ्ट चेंज हो रही थी तो मैंने सुबह वाले गार्ड से पूछा कि ये क्या माजरा है। मेरी बात सुनकर पहले तो वो गार्ड अजीब ढंग से उसी तरह मुस्कुराया और मेरे एकदम पास आकर बोला, तो खेल इतना जल्दी शुरू हो गया? कोई ना, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है तुम्हें देखना। मैं उसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो गया कि ये क्या बकवास कर रहा है। मैंने उससे झिझकते हुए बोला, भाई साफ साफ बता क्या बात है। उसने कहा, मैं भी शुरू शुरू में नाइट शिफ्ट पे ही लगा था, मेरे साथ वो खेल हुआ जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो तो मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, इसलिए बच गया, और मेरी जान पहचान सोसाइटी के चेयरमैन से हो गई थी, इसलिए मैंने शिफ्ट दिन में चेंज करवा लिया था। उसके बाद से कई गार्ड नाइट शिफ्ट के लिए आए और कुछ ही दिन के मेहमान रहे। कुछ ही दिन के मेहमान का क्या मतलब? मेरी बार बार प्रश्न करने से वो ठठा कर हंसते हुए बोला, अरे भाग गए। अब मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने चिढ़ते हुए उस गार्ड से कहा, देखो तुम्हारी पहचान चाहे कितनी ऊपर तक क्यों ना हो, मुझसे उलझो मत, यूपी का रहने वाला हूँ मैं, किसी से डरता नहीं हूँ, बातों को ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ क्या माजरा है। मुझे इस तरह गुस्सा होता देख वो गार्ड मेरे एकदम करीब आया और उसने जो मुझे बताया मैं सुनकर एकदम सन्न हो गया। गार्ड बोला, यहाँ ऊपरी चक्कर का मामला है, मुझे भी पूरी कहानी नहीं मालूम। ऊपरी चक्कर का मतलब जानते हो ना तुम? भूत प्रेत का चक्कर, गनीमत यही है जॉब छोड़ दो और कुछ काम देख लो, क्योंकि दिन का शिफ्ट तो मैं कतई नहीं छोड़ने वाला। वैसे मैं भूत प्रेत इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो जिस तरह से बता रहा था मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा। उससे बात करके मैं वहाँ से तुरंत अपने रूम की तरफ चल दिया। घर पहुँच कर मैंने अपने बगल वाले दोस्त से कहा कि मुझे लगता है मैंने कहीं गलत जगह तो जॉब नहीं कर ली। मेरी बात सुनकर वो बोला, भाई आज के महंगाई के ज़माने में किसी को जॉब नहीं मिलता, और तुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है, एक तो मुश्किल से जॉब मिली और तुझे उसमें भी कमी लग रही है, कुछ करेगा या नहीं, बस ऐसे बैठकर खाने का इरादा है। अब तुम्हारे बाप दादा का कोई खजाना तो यहाँ छोड़कर नहीं गए कि तुम अपने परिवार वालों को ऐसे बैठे बैठे ही पैसे भेज पाओ। पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, ऑफिस का काम मिलेगा नहीं, तो अब क्या करोगे? मैं भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, भाई तेरी बात सही है, लेकिन मैंने तुझे उस दिन बताया था ना कि मुझे कुछ अजीब सा दिखा, वो कल रात को भी दिखा था। सुबह मुझे वहाँ के मॉर्निंग गार्ड ने बताया कि उस सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ कोई भी गार्ड एक महीने से ज़्यादा काम नहीं कर पाता। वो सुबह वाला गार्ड भी पहले नाइट शिफ्ट ही करता था, डर के मारे उसने शिफ्ट चेंज करवा लिया, और ऊपर से साला बोल रहा था कि ऊपरी चक्कर का साया है,
अब तुम बताओ मैं कैसे अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ। मेरी बात सुनकर राजन एकदम ठटाकर हंसते हुए बोला, ऊपरी चक्कर, अरे यार तुम कोई फिल्म देखकर आए हो या भांग पिए हो? पहले मुझे लगा कि चोर बदमाशों का चक्कर है, लेकिन तुम तो भूत प्रेत की बात को लेकर बैठ गए। अरे मेरे भाई ये सब कुछ नहीं होता, तू बेझिझक काम पर जा, कोई भूत वूत नहीं होता। इतना बोलकर वो वहां से हंसते हुए निकल गया। लेकिन मैंने मन में सोच लिया था कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन कल मैं आखिरी बार जाऊंगा और अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ उसके बाद कोई नया काम ढूंढूंगा। उस दिन पूरे दिन मैं सही से सो नहीं सका और करवटें लेकर अपना टाइम काट रहा था। टेंशन की वजह से उस दिन मार्केट भी नहीं गया था। अब शाम का समय हो गया था, घड़ी में टाइम देखा तो 5:30 बजने वाले थे। मैंने तुरंत अपने लिए खाने के लिए जल्दी जल्दी रोटी और आलू का भुजिया बनाया और मैं रूम बंद करके जैसे ही बाहर निकला वैसे ही बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मन किया कि साला आज काम पर नहीं जाऊं, लेकिन पापी पेट का सवाल था और गरीबी इंसान से क्या क्या ना करवाए। मन महसूस कर अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल गया। सोसाइटी पहुँचते पहुँचते 6:30 बज गई। मुझे फिर से लेट आते देख वो सुबह वाला गार्ड एकदम झल्लाते हुए बोला, तो तू फिर आ गया, अभी इतना खेल से तेरा मन नहीं भरा, शायद तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। कोई ना, सबकी अपनी अपनी किस्मत। इतना बोलकर वो फिर से शैतानी मुस्कान लिए तेजी से वहां से निकल गया। एक तो पहले से ही परेशान और ऊपर से इसका इतना ड्रामा देख के मन किया कि वहीं पे उठा के पटक दूं साले को। जा बेटा जा, अगर मेरे गांव में अभी रहता ना तो फटेहाल स्थिति में घर जा रहा होता। मन में यही सोचकर अपने गुस्से को गले में ही अटका लिया। खैर उसके जाने के बाद मैं वहीं पे लगी कुर्सी पे बैठ अपना मोबाइल देखने लगा। अभी थोड़ी देर बीता होगा कि हमेशा की तरह वो 4-5 लोग आए और मुझे समझाते हुए जाने लगे कि आराम से काम करो, कोई आएगा जाएगा नहीं। इस बार मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पीछे से उनको आवाज़ लगाई, लेकिन ताज्जुब की बात उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बिना कुछ बोले चले गए। अब सच में मुझे लगने लगा कि हाँ शायद कुछ ना कुछ उस गार्ड की बातों में सच्चाई है। शुरू में कितना अच्छा लगा था, लेकिन साला यहाँ के लोग भी अजीब हैं, सीधा मुंह बात तक नहीं करते। रात का खाना खाकर मैं हर दिन की भांति गलियों में टहलने लगा। उस दिन छिटपुट बारिश भी हो रही थी जिसके कारण मौसम थोड़ी राहत भरी थी, लेकिन मन मेरा थोड़ा बेचैन सा था। बार बार उस गार्ड की कही हुई बात याद आ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों बस 12 बजे का इंतज़ार था कि एक बार फिर से वही चीज़ दिखाई दे। ऐसा होता है ना कि अगर किसी चीज़ से खतरा हो या डर हो तो कई बार उनका सामना करने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हमको पता होता है कि वो चीज़ होने ही वाली है। कुछ ऐसी ही स्थिति मेरे साथ हो रही थी। बार बार मेरी नज़र उस फ्लोर पे चली जा रही थी। अब रात के ठीक 12 बजे थे। उस समय मानो मेरे दिल की धड़कन थम सी गई हो और बिना पलक झपकाए मैं एकदम उस फ्लोर की तरफ देखता रहा। और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना मैंने पहले से ही कर ली थी। हर दिन की तरह वो ड्रामा स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार हाथापाई भी हुई और मुझे वहाँ से एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आई। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि बात बहुत बढ़ गई है। पहले तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज होने लग गई। आवाज़ इतनी तेज हो गई कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। वो लगातार जोर जोर से रोए और चीखे जा रही थी। उस औरत की आवाज़ के चक्कर में मैं गार्ड की बातों को गलत समझने लगा। मुझे सब कुछ हकीकत लगने लगा था कि हो सकता है वो गार्ड झूठ बोला हो, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मामला बढ़ सकता है और कुछ अनहोनी भी हो सकती है। और मुझे ये भी लगा कि कहीं बाकी के लोग आवाज़ सुनकर उठ ना जाए।
तो मैं उस फ्लैट में देखने के लिए गया कि शायद मुझे देखकर कुछ मामला ठंडा पड़ जाए। मैं तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ा और 13 नंबर फ्लोर की बटन को दबा दिया। 1 मिनट के अंदर मैं 13 फ्लोर पर पहुंच चुका था। फ्लोर पर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजानी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई दफ़ा डोर बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। मेरे मन में कुछ अनहोनी होने का संकेत आने लगा और मैंने मजबूरन उनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे इतना दरवाज़ा पीटने के बाद भी कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था कि तभी उस कमरे के अंदर से धीरे से किसी की आवाज़ आई, आ रही हूँ मैं। मैं गेट पे ही खड़ा होकर इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी किसी ने बड़ी तेज झटके से बाहों को पकड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरा सुपरवाइज़र था। वो अजीब तरीके से डरे और गुस्साए अंदाज में बोले, तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो खींचकर लिफ्ट की तरफ तेज़ी से ले जाने लगा। मैंने उसको बहुत समझाया कि उस फ्लैट में मदद की ज़रूरत है, बड़ी मुसीबत हुई है वहाँ पे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मैं जितना बोलता वो उतनी ही तेज़ी से घबराते हुए और मुझे घसीटते हुए नीचे ले गया। मैंने उसको बोला कि ये आपने सही नहीं किया, उस फ्लोर पर जो लेडी है वो मर जाएगी, वो आदमी उसको मार डालेगा। वो चिल्ला रही थी और आप उसकी मदद करने के बजाय मुझे वहाँ से खींच ले आए। मेरे सुपरवाइजर ने मेरे मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, जिस फ्लैट की बात कर रहे हो उसमें पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता है। जब से उस औरत का मर्डर हुआ है तब से वो फ्लैट वैसे ही बंद पड़ा है। इतना सुनते ही मेरी बॉडी ठंडी पड़ने लग गई, मेरी सांसें हलक नहीं अटक गई, पूरा खून मानो जम सा गया हो। मैंने कांपते हुए जैसे ही वापस उस फ्लैट की तरफ देखा तो मुझे खून से सना हुआ हाथ अपनी ओर आने का इशारा करते हुए दिखाई दिया। मुझे बस इतना दिखना था। मैं तुरंत उसी टाइम अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वहां से जाने लगा। सुपरवाइजर ने बहुत रुकने की कोशिश की, लेकिन मैंने वहां 1 मिनट भी रुकना नहीं समझा और उस सोसाइटी से बाहर निकल गया। गनीमत तो ये था कि रोड पे ही एक ऑटो वाला साइड करके सो रहा था। मैंने उसे जगाकर हाथ जोड़ते हुए अपने रूम पर छोड़ने को कहा। वो ऑटो वाला भला इंसान था, मुझे इतना डरा हुआ देखकर जल्दी जल्दी मेरे बताए जगह पे पहुंचा दिया। रूम पहुंचकर मुझे राहत की सांस आई और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। लगभग 4 बजे सुबह तक मुझे नींद नहीं आई, बार बार उस हाथ का ही ख्याल आ रहा था। मैं अपनी बेवकूफ़ी पे तरस खा रहा था कि आखिर क्यों मैं उस गार्ड की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्यों मैं उस फ्लोर पे गया था, और वहाँ के लोगों पे भी गुस्सा आ रहा था कि अपनी भलाई के लिए वो किसी की जान को भी दांव पे लगा देते हैं, बिना असलियत बताए नौकरी पे रख लेते हैं, उनको सिर्फ अपनी जान की परवाह है। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह मैं दूसरी नौकरी की तलाश में निकल गया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी भी किसी गार्ड की नौकरी नहीं किया और भूल कर भी उस सोसाइटी की तरफ आंख भी नहीं उठाया। आज भी जब उस घटना की याद आती है तो पता नहीं क्यों मन अपने आप अजीब सा होने लगता है। शायद ये भगवान की ही कृपा थी और उस सुपरवाइज़र का, जिसने मुझे एन वक्त पे आके बचा लिया था। अगर वो सुपरवाइज़र नहीं आता तो शायद आज मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा होता और मेरी ये कहानी शायद आप नहीं सुन रहे होते। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोगों के साथ घटी अलौकिक और रहस्यमयी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, और अगर आपके साथ भी कोई रहस्यमयी या भूतिया घटना घटित हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं
और आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। इस पृथ्वी पर इंसान तो अलग अलग तरह के होते ही हैं, परंतु आत्माएं भी भिन्न भिन्न तरह की होती हैं। मगर क्या आप सभी ने एक चीज गौर की है? यही कि ज्यादातर आत्माएं इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। वैसे तो पहले कभी भी मेरा सामना किसी भूत पिशाच या आत्मा से नहीं हुआ था, परंतु उस दिन जब मैंने काका जी की आत्मा को मेरे सामने मुझसे बात करते हुए देखा तो मैं असमंजस स्थिति में चला गया था कि वाकई भूत प्रेत होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और अभी भी वाराणसी के ही एक कॉलेज से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सपना है कलेक्टर बनने का। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे माँ और बापू ही हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। क्योंकि कलेक्टर बनने का सपना है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत और लगन से करता आया हूँ। कॉलेज के पहले दिन पर ही मेरी दोस्ती भावेश से हो गई, जो मेरे गांव के पास वाले गांव में ही रहता है। भावेश का दिमाग पढ़ाई में रॉकेट की तरह तेज है और इसलिए तभी से हम लोग जिगरी यार बन गए। क्योंकि गांव एकदम नज़दीक ही था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते रहते थे। कभी वो मेरे घर आता तो कभी मैं उसके घर चला जाता। भावेश के घर में कुल 6 सदस्य रहते हैं। भावेश के पिताजी, माँ, भाई, दीदी, काका जी, काकी और खुद भावेश। इसलिए मुझे उसके घर में काफ़ी अच्छा लगता था। मगर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने ना केवल भावेश को परिवार को ही बल्कि पूरे गांव को दुख और डर के आगोश में समा दिया। कुछ महीने पहले की ही बात है जब एक मायूस कर देने वाली खबर मेरे परिवार को मिली। मेरे दोस्त भावेश के काका जी का देहांत हो गया। भावेश के काका जी एक सज्जन और दरिया दिली इंसान थे, इसलिए उनकी चर्चा दूर दूर के गांवों तक थी। सब लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। मुझे उनकी सबसे अच्छी आदत यह लगती थी कि वे बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान थे, इसलिए यह आदत मुझे भी उनके जैसा बनने के लिए हमेशा प्रेरित करती थी। जब कभी भी मैं भावेश के घर जाया करता तो काका जी के साथ घंटों समय बिताता। वे मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते और हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते। उनकी मृत्यु अकाल हुई थी और इस बात का सबसे गहरा असर मुझ पे पड़ा था। काका जी एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। छोटे बड़े कामों के लिए कभी कभी गांव से बाहर बहुत दूर दूसरी जगहों पर व्यापार करने जाते। कभी कभी महीने में 1-2 बार तो कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार। वे अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और मेहनती थे। उस दिन वे हमेशा की तरह ट्रक में सामान लेकर व्यापार करने दिल्ली जा रहे थे। उनके साथ एक मजदूर जिसका नाम बबलू था, वो भी साथ में जा रहा था। वैसे तो काका जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, मगर उन्हें शराब पीने की बुरी आदत थी। उनके अलावा उनमें कोई भी बुराई नहीं थी। जब वे दिल्ली के लिए निकले, थोड़ी दूर चलने के बाद रात हो चली थी, तो इसलिए काका जी और उनके मजदूर बबलू ने हमेशा की तरह यह फैसला किया कि चलकर किसी ढाबे में थोड़ा कुछ भोजन वगैरह कर लेते हैं और थोड़ी शराब भी पी लेते हैं, ताकि रात भर ट्रक चलाने में आसानी हो और थकान भी दूर हो जाए। ये काम वे हमेशा शहर की तरफ जाते वक्त किया करते थे। बस यह फैसला करने के बाद काका जी और बबलू वहीं रास्ते में एक ढाबे पर गए और भर पेट खाना खाने के बाद खूब शराब पी। शराब पीने और पेट पूजा करने के बाद काका जी और उनका मजदूर बबलू ट्रक में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनकी यही सबसे बड़ी गलती थी कि वे शराब पीकर वो भी रात के समय ट्रक चला रहे थे। थोड़ी दूर चलते चलते एक कच्ची सड़क पड़ी। एक तो रात का अंधेरा और ऊपर से उस सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं,
बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इस अंधकार और शराब के नशे में काका जी को सामने से आ रहा ट्रक कोई मोटर बाइक प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उस ट्रक की एक तरफ की हेडलाइट टूटी हुई थी और इसी चक्कर में वे दोनों धोखा खा गए, जिसके चलते काका जी का ट्रक और सामने से आ रहे ट्रक में भिड़ंत हो गई और इस दुर्घटना में काका जी की तुरंत ही मृत्यु हो गई। मगर उनका मजदूर बबलू बाल बाल बच गया। हालांकि बहुत गहरी चोटें उसे भी आई थी और बहुत दिनों तक वह अस्पताल में बेहोश भी रहा, मगर भगवान की कृपा से वह बच तो गया। लेकिन अफसोस सिर्फ इसी बात का है कि वह कभी भी चल नहीं सकता। जैसे ही मेरे परिवार को काका जी की मृत्यु की खबर मिली, मैं तुरंत भावेश के घर भागता हुआ गया। भावेश के परिवार के साथ मैं भी शोक सभा में शामिल हो गया, क्योंकि मेरा काका जी से बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि पूरा 13 दिन मैं यहीं रहूँगा भावेश के परिवार के साथ। दुर्घटना में भावेश के काका जी को इतनी ज़्यादा गहरी चोटें आई थी कि उनके पूरे चेहरे का नक्शा बिगड़ गया था, एकदम भयानक सी शक्ल हो गई थी और इसी कारण से उनका चेहरा किसी को भी देखने की अनुमति नहीं थी कि गलत असर पड़ेगा। काका जी की मृत्यु के बाद भावेश के घर बहुत सारे लोग शोक सभा में शामिल होने आए। ना केवल हमारे गांव के बल्कि दूर दूर के गांवों के लोग भी काका जी की मृत्यु की खबर मिलते ही भावेश के घर आए। कुछ ही देर में काका जी के क्रियाक्रम का सारा काम शुरू हो गया। क्रियाक्रम का काम शुरू होते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा या कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही है। जब जब बहुत से लोग रहते तब ये अनुभव कुछ फीका पड़ जाता, लेकिन अकेले होते ही आसपास कुछ अजीब, कुछ बहुत ही भयानक एहसास होता, जैसे कोई बार बार पास आकर बैठ रहा, इधर उधर हवा की रफ्तार से घूम रहा, और कभी कभी ऐसा भी लगता मानो शरीर कुछ भारी सा हो गया हो। यह सब दिल दहला देने वाली गतिविधियां मुझे और भी ज़्यादा डराने और बेचैन करने लगी थी। जैसे कभी एक जगह अकेला होता वैसे ही बार बार मेरा दिल बैठता जाता। मन में हर वक्त बस यही ख्याल आता कि आसपास कुछ ना तो कुछ है। इस घटना के बारे में मैंने भावेश को बहुत बार बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से वह हमेशा कुछ कामों में व्यस्त रहता। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उस आत्मा की मौजूदगी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। वैसे उस आत्मा ने अब तक मुझे कुछ हानि नहीं पहुंचाई थी, लेकिन आत्मा, भूत, प्रेत इन सबका नाम सुनते ही बहुत लोगों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है, और यहाँ तो मैं असल में वह सब कुछ महसूस कर रहा था। तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। जिस दिन भावेश के घर गरुण पुराण का पाठ हो रहा था, उस दिन तो उस आत्मा की मौजूदगी का एहसास और भी ज़्यादा होने लगा था। इस बार सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि घर के हर एक सदस्य को किसी आत्मा के होने का एहसास हुआ। हम सभी को इस तरह से डरा हुआ देख पंडित जी गंभीर स्वर में समझाते हुए बोले, डरो नहीं आप सभी, दरअसल काका जी की शायद कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह गई है, जिस वजह से उनकी आत्मा इसी घर में भटक रही है। जब तक उनकी वह आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी आत्मा इसी घर में रहेगी। यह बात सुनते ही सारे लोगों के चेहरे और मन पर डर ने अपना प्रकोप बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवित व्यक्ति से कोई नहीं डरता, मगर उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ना जाने उसकी आत्मा कैसी होती है और किसी के साथ क्या कर बैठती है। इसलिए यही सारी चीज़ें सोच सोच कर सभी बहुत ज़्यादा घबराने लगे। मगर एक चीज़ का तो पता चल गया था कि इतने दिन से जो किसी आत्मा का अनुभव हो रहा था वह आत्मा और किसी की नहीं बल्कि काका जी की ही थी।
पंडित जी ने जब काका जी की आत्मा के बारे में बताया तो भावेश की काकी सहमी हुई लहजे में बोली, पंडित जी इस चीज का कोई खास उपाय तो होगा जिससे मेरे पति की आत्मा को शांति मिल सके। इस बात पर पंडित जी ने शांत भाव से एक बार फिर बताया, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, मगर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जब तक आपके पति की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी आत्मा यहीं रहेंगी, परंतु इस चीज से किसी को भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही उनकी आत्मा यहाँ पर रहेंगी और तो और अपनी होने का संकेत भी देगी, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वह आत्मा बहुत अच्छी है। उस आत्मा की जो कुछ भी इच्छा है, यदि किसी दिन वह इच्छा पूरी हो गई तो वह आत्मा अपने आप यहाँ से चली जाएगी। पंडित जी की यह बात सुनकर किसी के भी दिल को राहत नहीं मिली, क्योंकि अब भी हम सभी को काका जी का ख्याल नहीं था बल्कि आत्मा कहीं था, और आत्मा का नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी की कही गई बात के अनुसार आत्मा का आभास तो हर किसी को होने लगा था। कभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बजने लगती तो कभी उनकी चिटकनियां अपने आप खुल जाती। ऐसी ही विचित्र विचित्र चीजें भावेश के घर में होने लगी थी। एक दिन जब मैं रात में सो रहा था तब मुझे ऐसा लगा मानो कोई धीरे धीरे मुझ पर पैर के जरिए चढ़ रहा हो। यह एहसास ही काफी था कि मैं चिल्लाते हुए अपने कमरे के बाहर निकल गया। मेरी आवाज सुनकर भावेश के घर वाले भी उठ गए और अपने साथ हुई विचित्र घटनाएं एक एक करके सबको सुनाने लगे। यानी रात में सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि भावेश के घर के हर एक सदस्य के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई थी और सब लोग बहुत ज़्यादा डरे थे, परंतु काका जी की आत्मा ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। यानी पंडित जी की बात शत प्रतिशत सच थी। अंत में हम सभी ने यही तय किया कि सब एक साथ गद्दा बिछाकर यहीं बरामदे में सोते हैं, तो हम सभी ऐसे ही सोए। रात तो मानो जैसे तैसे करके बीत गई और हम में से कोई भी अच्छे से नहीं सो पाया। दिनों दिन ऐसे ही बीतते चले गए और फिर 13वीं का दिन आ गए। 13वीं के दिन जो कुछ लोग आए उनका स्वागत हम आधे मन से ही कर पाए, क्योंकि बीते दिनों में हम सब ने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया था। पर गाँव के लोग बहुत अच्छे थे, वे सभी हमारी भावनाओं को समझ रहे थे, इसलिए किसी ने भी इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। हम सभी कामकाज में इतने व्यस्त थे जैसे सामान रखना, ले जाना, खाना परोसना, सारी व्यवस्था करना, कि रात होते होते अचानक इस बीच भावेश की काकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और आधी रात में ही उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। और उस वक्त क्योंकि घर को ऐसे खाली छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए घर की देखरेख के लिए मुझे रहने को बोल दिया। अब मैं इतने दिनों से उन लोगों के साथ रह रहा था, इसलिए मना करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वहाँ रुकने के लिए हाँ कर दी। भावेश का गांव अभी इतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उसके घर के सामने एक कच्ची सड़क के पार मीलों तक फैला हुआ एक बड़ा सा मैदान था और आसपास सिर्फ कुछ कच्चे मकान थे। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि यहाँ पर प्रकाश की अत्यधिक कमी थी, जिस वजह से अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था। उस रात के अंधेरे में इतनी ज़्यादा शांति थी कि आसपास मंडरा रहे कीड़ों की आवाज़ें भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी जैसे ना इस पार का और ना उस पार का। बाहर जाओ तो खूब गुर्राता हुआ भयावा अंधेरा और अंदर काका जी की आत्मा। रात अब और भी ज़्यादा गहरी हो चली थी, करीब 1:30 बजने आए थे। आखिर बाहर भी कितनी देर तक रहता, अंदर और बाहर दोनों तरफ का ही माहौल एकदम भयानक खौफ लिए हुए था। लेकिन किसी तरह मैंने अपने अंदर हिम्मत बटोरी और भगवान का नाम लेते हुए अंदर जाते से ही कमरे में सोने चला गया। अभी मैं सोया ही था कि अचानक से बाहर के बरामदे के अंधेरे में से मुझे एक साया नजर आया।
जो उस वक्त अंधेरे को चीरता हुआ मेरी ओर पड़ रहा था। यह देख मेरी चीख निकल गई। मन तो कर रहा था किसी तरह बरामदे की बत्ती जला दूं, मगर पलंग से नीचे पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हुई। मगर किसी तरह बजरंग बली का नाम लेते हुए बरामदे की तरफ गया। जैसे ही मैं बरामदे में पहुंचा, वैसे ही टन करके एक आवाज मेरे कानों पे पड़ी, जो किचन से आई थी। वह आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन हथौड़े की भांति जोर जोर से धड़कने लगा। वह आवाज किचन में रखे एक पतीले के गिरने की थी। अभी मेरा ध्यान किचन से आ रही आवाज से हटा ही था कि तभी मैंने देखा बरामदे की बत्ती अपने आप चालू हो गई। अब मेरा डर के मारे बुरा हाल था, इसलिए मैंने झटपट बरामदे में बने हुए एक छोटे से मंदिर में दीप जलाया और हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करने लगा। स्मरण करते करते मेरी निगाह हनुमान जी की तस्वीर पर पड़ी, जिसके शीशे पर मुझे काका जी नजर आए। यह देखते ही मैंने तुरंत पीछे घूमकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर भगवान का स्मरण किया कि तभी जो दीप मैंने प्रज्वलित किया था वह अचानक भभक भभक के बुझ गया। यह देख मेरा अब वहां रुकना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी अचानक वह दीप अपने आप प्रज्वलित हो गया और मैंने अपने सामने जिनको देखा वे भावेश के काका जी थे। उस वक्त मेरा डर के मारे बुरा हाल तो था, परंतु काका जी को देख अब डर कुछ कम होने लगा। काका जी को सामने पाकर मेरी आंखें भर आई। मैं बीते दिनों को याद करने लगा, जो पल मैंने काका जी के साथ बिताए थे। मन तो कर रहा था अभी जाकर उनको सीने से लग जाऊं, लेकिन अब वह सब कुछ संभव नहीं था, क्योंकि अब जो मेरे सामने था वह सिर्फ और सिर्फ काका जी की आत्मा थी, जिसने पिछले 13 दिनों से हम सभी को हद से ज़्यादा भयभीत कर दिया था। थोड़ी देर तो मैं और काका जी एक दूसरे को घूरते रहे, फिर काका जी एकदम शांत भाव से बोले, डरो मत पंकज, मैं तो यहाँ तुमको अपनी आखिरी इच्छा बताने आया हूँ। बीते कुछ दिन मेरे परिवार और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा भयावह रहे, लेकिन मैं तरह तरह से आप सभी को अपनी आखिरी इच्छा बताना चाह रहा था, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सब लोग उन गतिविधियों से बस भयभीत हुए जा रहे थे, जिसके चलते मैं अपनी आखिरी इच्छा नहीं बता पाया। काका जी की यह बात सुनकर मैंने माफ़ी के भाव से धीमी आवाज में कहा, माफ़ करना काका जी, परंतु सब लोग डर गए थे, और जाहिर सी बात है काका जी कोई भी उन अजीबो गरीब गतिविधियों के कारण डरेगा ही, और आपको पता है काका जी डर तो मुझे अभी भी लग रहा, लेकिन आपकी दी हुई हिम्मत कहीं आज जाकर काम आ रही है, जिस वजह से मैं आपकी आत्मा के सामने खड़ा हूँ और आपसे बातचीत कर रहा। अब बताइए काका जी, क्या है आपकी आखिरी इच्छा? काका जी कड़क आवाज में बोले, घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। अगर मेरी यह अंतिम इच्छा आपने पूरी कर ली तो उसी दिन से मेरी आत्मा घर में भटकना बंद कर देगी और अंत में मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। इतना कहकर काका जी वहां से गायब हो गए। काका जी से मुलाकात डर और उत्साह दोनों लेकर आई। काका जी की आखिरी इच्छा को याद करते करते और अंधेरे से लड़ते लड़ते मुझे एक भी क्षण नींद नहीं आई, और सुबह हो चली। सुबह होते ही अगले दिन सब लोग घर आ गए, और अब काकी भी काफ़ी हद तक ठीक थी। जब सभी लोग घर के अंदर आए तो मैंने सबको काका जी की आखिरी इच्छा के बारे में बताया। सब लोग मेरी बात सुनकर दंग तो रह गए थे, परंतु सबको ऐसे वातावरण से बाहर आना था, इसलिए भावेश के पिताजी ने मेरी बात मान ली, और उसी दिन उन्होंने अच्छी तरह से मंदिर की साफ सफाई करके हनुमान जी को अच्छी तरह श्रृंगार करके पाठ की तैयारियों में जुट गए। तैयारियों के बाद शाम के समय भावेश के पिताजी ने गांव के अधिकतर लोगों को सुंदरकांड के पाठ में आमंत्रित किया।
और सभी के साथ भावेश के परिवार ने सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। इस दिन के बाद से जो कुछ भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी वे सभी बंद हो गई और इससे हमें यही पता चल गया कि आखिरकार काका जी की वह अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई और उनकी आत्मा को शांति मिल गई। भावेश के पिताजी को अपने भाई की यह ख्वाहिश अब समझ में आ रही थी। एक दिन उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनवाने को कहा था। बस फिर क्या था, भावेश के पिताजी ने अपने भाई की याद में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया और हर मंगलवार एकदम जोरों शोरों से वहाँ सुंदरकांड का पाठ होने लगा, जिसमें मैं और मेरा परिवार भी हर दिन शामिल होने लगे। काका जी के जाने का गम तो हमें बहुत सताता था, लेकिन उनकी दी हुई सीख और बताई गई बातों से मैंने अपनी ज़िंदगी के हर एक पड़ाव को बहुत आसानी से पार कर लिया और आज मैं पूरी लगन से कलेक्टर बनने की तैयारी में जुट गया हूँ।